नमस्कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में एनसीआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग एक के दसवें अध्याय कृषिका कर्मवीरा इस पाठ के चौथे पांचवे और छठे श्लोक को पढ़ेंगे इस वीडियो से पहले हमने पहले दूसरे और तीसरे अध्याय को पढ़ लिया था अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें आइए अब हम इस वीडियो में चौथे पांचवे और छठे श्लोक को पढ़ते हैं सबसे पहले चौथे श्लोक का वाचन करेंगे गृह जीर्णम नवर सासु वृष्टिम वार्षम तथापि कर्म वीर कृषिकाणाम एक बार पुनः श्लोक को पढ़ेंगे गृह जीर्ण न वर्षा वृष्टि वारयुम क्षम तथा कृषिकाण नश्यति आइए अब इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं जीर्ण गृह वर्षासु वृष्टि वारयुम क्षम न अस्ति तथापि कृषिकाणाम कर्मवीर नश्यति आइए अब के माध्यम से इस लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं जीर्णम का अर्थ होता है पुराना गृह अर्थात घर वर्षा ऋतु में वृष्टु अर्थात बरसात का जो जल होता है वार इतुम रोकने में क्षम ना अस्ति अर्थात जो पुराना घर है वो वर्षा ऋतु में बरसात के पानी को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसान इतना गरीब होता है कि उसका जो घर है वो टूटा फूटा और पुराना होता है अधिकतर कच्चे मकान अथवा झोपड़ी होती है और जो झोपड़ी जो और जो कच्चे मकान हैं वो भी टूटे फूटे हैं इसलिए जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते जिसके कारण बरसात का सारा जल टपक टपक कर किसान के घर के अंदर आता है तथापि फिर भी तथापि और फिर भी कृषिकाणाम किसानों का कर्म वीरत्व न नश्यति कर्म वीरत्वम अर्थात काम करने का जो मेहनत करने की जो जिज्ञासा होती है वो उनकी कभी भी नष्ट नहीं होती है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसान चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो वह काम करना नहीं छोड़ता है तो आइए अब इस श्लोक के सरल अर्थ और शब्दार्थों को देख लेते हैं इस श्लोक का शब्दार्थ और सरलार्थ आपके स्क्रीन के ऊपर है सबसे पहले सरलार्थ देखेंगे घर टूटा फूटा है वर्षा के समय बारिश अर्थात घर के अंदर पानी आने से रोकने में समर्थ है तब भी किसानों की कर्मनिष्ठा कभी भी नष्ट नहीं होती है अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं इस श्लोक के कुछ कठिन शब्द हैं जीर्णम का अर्थ होता है पुराना वृष्टिम बारिश को वारुम रोकने के लिए कर्मठता क्षम नष्ट नहीं होती है आइए इस पाठ के अगले श्लोक को पढ़ते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन में जो श्लोक दिख रहा है उसका वाचन करेंगे तयो श्रमेण छेत्राणी सस्यपूर्णा नि सर्वदा धरित्री सर कंट का ब्रिता एक बार पुनः श्लोक को पढ़ेंगे तय श्रम क्षेत्री धरित्री सरसा जाता या सुष का कंट का ब्रिता आइए अब श्लोक के अन्वय को देखते हैं तयो श्रमेण छेत्राणी सर्वदा सस्यपूर्णा सन्नी या धरित्री शुष्का कंटकावृता च आसी सा सरसा जाता आइए अब अन्वय के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं तयो तो अर्थात उन दोनों के किन दोनों के किसान और किसान के पत्नी के श्रमेण अर्थात मेहनत से किसान और किसान की पत्नी के श्रम से यानी मेहनत से क्षेत्राणी जो खेत हैं सर्वदा यानी हमेशा पूर्णानी फसलों से युक्त होते हैं अर्थात कहने का तात्पर्य है किसान और किसान की पत्नी जो निरंतर खेतों में काम करते हैं उनकी मेहनत के बदौलत जो खेत होते हैं हमेशा फसलों से युक्त होते हैं या धरित्री शुष्का कंट कावृता चाह आसी अर्थात जो धरित्री यानी पृथ्वी शुष्का यानी जो परती होती है है ना जहाँ पर अनाज नहीं उगता है ऐसे जो स्थान है धरती के कंट अथवा जहाँ पर कांटे हैं सा सरसा जाता वह धरती भी सरस अर्थात खेती के उपजाने योग्य हो जाती है कहने का तात्पर्य यह है कि किसान और किसान की पत्नी खेतों में इतनी मेहनत करते हैं कि धरती चाहे कैसी भी हो अनाज उगाने योग्य हो अथवा ना हो चाहे कांटों से भरी हो फिर भी धरती सरस अर्थात अनाज उगाने के लायक हो जाती है आइए अब इस श्लोक के सरलार्थ और शब्दार्थों को देख लेते हैं सरलार्थ आपकी स्क्रीन में है उन दोनों अर्थात किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी हुई थी अब वह हरी भरी हो गई है आइए अब इस श्लोक के शब्दार्थों को देख लेते हैं तयो का अर्थ होता है उन दोनों के उन दोनों कौन किसान और किसान के पत्नी के पूर्णानी फसलों से भरे सर्वदा हमेशा धरित्री धरा अर्थात पृथ्वी सरसा रस से भरी हुई अर्थात हरी भरी शुष्का सूखी कंटकावृता यहाँ पर यह शब्द कंटक और आवृता से मिलकर के बना हुआ है जिसका अर्थ है कांटों से ढकी हुई तो आइए अब इस पाठ के आखिरी श्लोक को पढ़ते हैं शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा तृषाक नि्यम विचित्रो जनपालक एक बार पुनः इस श्लोक को पढ़ेंगे साकम अन्नम फल दुग्धम दत्वा क्षुधा तृषाकुलौ्यम विचित्र जनपाल आइए अब इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं तौ सर्वे शाक अन्न फल दुग्धम चाह क्षुधा त्रिषाकूल स्थ विचित्रौ जनपालक इष्टः आइए अन्वय के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं अर्थ होता है वे दोनों वे दोनों कौन किसान और किसान की पत्नी सर्वे सभी के लिए क्या-क्या देते हैं? साकम, साकम सब्जी अन्नम यानी अनाज फलम यानी फल दुग्धम अर्थात दूध अर्थात जो किसान और किसान की पत्नी है वे हम सबके लिए सब्जी अनाज फल दूध दत्वा दे करके नित्यम हमेशा शुदा अर्थात भूख त्रिषा अर्थात प्यास आकुल अर्थात व्याकुल अर्थात अपने खेतों में उगाई गई सब्जी अनाज फल दूध सब कुछ किसान दूसरों को दे देता है और खुद क्या करता है हमेशा जो है भूखा और प्यासा रहता है तव अर्थात वे दोनों विचित्रौ जान विचित्र अर्थात अद्भुत जनपालक हैं जनपालक अर्थात जो लोगों का पालन पोषण करते हैं हम सब लोग किसानों के द्वारा उगाए गए अनाज दूध फल और सब्जी खा करके ही अपना पालन पोषण करते हैं इसलिए हमारा जनपालक कौन है किसान अर्थात कहने का तात्पर्य है किसान अपने खेत में जो सब्जी अनाज फल दूध उगाता है वे थोड़े से पैसों में हम सबको दे देता है और स्वयं गरीब रह करके हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहता है इसलिए यहाँ पर किसान को जनपालक कहा है अर्थात खुद भूखा रह करके दूसरों का पालन पोषण करता है तो आइए अब श्लोक के सरलार्थ और शब्दार्थ को देख लेते हैं वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी सबको सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं वे दोनों विचित्र अर्थात अनोखे जनपालक हैं अब इस लोक के कठिन शब्दों को देख लेते हैं साकम अन्नम दो शब्द यहाँ पर है साकम अर्थात सब्जी अन्नम अर्थात अनाज सर्वेभ्य पर दो विसर्ग आप लगा लेना सभी के लिए दत्वा दे करके वे वे दोनों वे दोनों कौन किसान और किसान की पत्नी क्षुधा अर्थात भूख त्रिषा अर्थात प्यास आकुलो अर्थात व्याकुल तो इस प्रकार इस पाठ के सभी श्लोकों को हमने पढ़ लिया है आपके स्क्रीन में इस पाठ के पीछे दिए गए कुछ शब्दार्थ हैं जो कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें अपने पाठ पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार कृषिकाह कर्म वीराह यह जो पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक का है उसको हमने पढ़ लिया है यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए बहुत जल्दी इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद पुनः मिला नमो नमः